हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल स्कूल प्रैप दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्लास एट्थ साइंस चैप्टर टू माइक्रो ऑर्गेनिम्स फ्रेंड एंड फो जैसा हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो हमारे लिए यूजफुल हैं मीन्स फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेम्स और इसी में से आगे को हम देखते हैं कुछ और अदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स विच आर बेनिफिशियल फॉर अस दे आर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिम्स इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स ऐसे होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं उसी में फर्स्ट नेम है ब्लू ब्लूग्रीन एलगी इनको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है ब्लू ब्लूग्रीन एलगी फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल सॉइल में एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स डायरेक्टली uh, यूज नहीं कर पाते एटमोस्फेरिक uh, नाइट्रोजन का सो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है और आफ्टर दैट जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स का यूज करते हैं दीज बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल अमाउंट क्वांटिटी बढ़ेगी तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है न्यूट्रिशन है वो बढ़ेगा उसमें इम्प्रूविंग होगी तो माइक्रोब्स जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो सॉइल फर्टेलिटी के इंक्रीजिंग में हेल्प करते हैं दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर फिक्सर नाइट्रोजन को फिक्स करते इसलिए नाइट्रोजन फिक्सर एंड बायोलॉजिकल इसलिए क्योंकि बायोलॉजिकल मीन्स वो लिविंग है बैक्टीरिया आर लिविंग ऑर्गेनिम्स दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर द नेक्स्ट वन इज क्लीनिंग द इन्वायरमेंट तो जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो डिकम्पोजर्स का काम भी करते हैं डिकम्पोजर्स क्या करते हैं जो हमारे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनको हमारी सराउंडिंग से क्लीन करते हैं रिमूव करते हैं उनका डिकम्पोज करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं इसलिए वो डिकम्पोजर्स हैं तो मैनी माइक्रोब्स जो बहुत से माइक्रोब्स हैं लाइक फंजाई स्पेशली फंगाई एंड बैक्टीरिया वो क्या करते हैं फीड ऑन डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो जो डेड रिमेन्स में रहते हैं फंगाई उनको क्या बोला जाता है से, उन्हें से, से, सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है दस दीज माइक्रोब्स प्ले अ रोल ऑफ डिकम्पोजर तो वो उन रिमेनिंग प्लांट्स प्लांट्स रिमेनिंग एंड एनिमल्स रिमेनिंग का क्या करते हैं वेस्ट ऑर्गेनिक को ब्रेक डाउन करते हैं डिकम्पोज करते हैं सो दे प्ले द रोल ऑफ डिकम्पोजर और क्लीन आवर इन्वायरमेंट आवर सराउंडिंग्स डेड केटल वेस्ट फ्रॉम मीट डेड केटल्स होते हैं जो वेस्ट ऑफ मीट एंड फिश शॉप फिश शॉप में जो वेस्टेज निकलता है वेस्टेज फ्राम वेजिटेबल मार्केट डिकम्पोस्ड बिकॉज ऑफ माइक्रोव जो डिकम्पोज होता है ओनली बिकॉज ऑफ माइक्रोव अब हमने देख लिया कि कुछ द नेक्स्ट इज हार्मफुल माइक्रोव ऑर्गेनिम्स हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिम्स के कैसे यूजफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिम्स ये स्टडी कर लिया ये डिस्कस कर लिया अब हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स कैसे हार्मफुल है वो हमें कैसे हार्म पहुंचाते हैं सो माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिम्स कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिम्स ऐसे होते हैं जो ह्यूम्स में भी प्लांट्स बेबी एनिमल्स में भी डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं

थ्रू पैथोजेंस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू एयर के थ्रू भी कर सकता है वाटर के थ्रू जो हम वाटर पीते हैं एंड जो हम फूड ईट करते हैं उनके थ्रू हमारी बॉडी में पैथोजेंस एंटर करते हैं और वो पैथोजेंस दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाई एन एनिमल तो अगर किसी पर्सन को डिजीज हुई है तो उस पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से या किसी एनिमल के थ्रू थ्रू भी वो ट्रांसफर हो सकती हैं तो ऐसी डिजीज जिनके पैथोजेंस वन पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो रहे हैं ट्रांसमिटेड हो रहे हैं मीन्स ऐसी डिजीज विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रो एयर वाटर फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है जो डिजीज जिनके पैथोजन जिनके माइक्रोब्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड होते हैं दैट डिजीज इज कॉल्ड माइ कम्युनिकेबल डिजीज इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कोलेरा कॉमन कोल्ड चिकन पॉक्स ट्यूबरक्लोसिस क्लोसिस इटीसी देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स कैरियर्स डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो डिजीज होती है वो तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स के थ्रू होती हैं। वो किससे होती हैं उसकी कॉजिंग क्या है माइक्रो ऑर्गेनिम्स बट कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जो उन माइक्रोब्स को कैरी करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई क्या कैरी करती है जो कोलेरा है यानी हैजा के जो बैक्टीरिया है उसको कैरी करती है कैसे कैरी करती है जो हाउस फ्लाई होती है वो किसी गार्बरेज में के ऊपर अगर बैठी होती है तो उसमें से वो कोलेरा का जो बैक्टीरिया है, है, है बैठती है तो उन माइक्रोब्स को वो उस फूड में ट्रांसफर कर देती है और वहां से उस फूड को जब हम खाते हैं तो वो फूड क्या होता है हमारी बॉडी बॉडी uh, में जाता है और उस फूड के साथ साथ माइक्रोब्स भी कोलेरा का बैक्टीरिया माइक्रोब्स भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और हमें डिजीज हो जाती है तो हम कह सकते हैं जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं बैक्टीरिया किसके कोलेरा का जो बैक्टीरिया था उस बैक्टीरिया को यानी माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर रहा है कैरी कर रहा है तो कुछ इसके क्या करते हैं कैरियर बनते हैं क्या होते हैं कैरियर्स होते हैं इसी का अदर एग्जांपल है फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो होता है वो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम के थ्रू हमको होता है तो उसकी कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है वो क्या है प्लाज्मोडियम मलेरिया का तो प्लाज्मोडियम को क्या करता है कैरी करता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यो ऐसी फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो है वो क्या करता है डेंगू वायरस जो डेंगू वायरस है उस डेंगू वायरस को कैरी करता है कौन फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो ये देखिए ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो है जो क्या करता है मलेरिया के पैरासाइट प्लाज्मोडियम को कैरी करने का काम करता है सम कॉमन ह्यूमन डिजीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स के थ्रू होती हैं जैसे ट्यूबर क्लोसिस चिकन पॉक्स पोलियो जो ट्यूबर है उसका जो कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स है दैट इज़ बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है एंड मीजल्स चिकन पॉक्स एंड पोलियो इसकी कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या है वायरस है इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ये किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं एयर के थ्रू या कांटेक्ट के थ्रू जो ट्यूबर है वो एयर एंड एयर एंड चिकन पॉक्स एयर के थ्रू या कॉन्टैक्ट के थ्रू जब फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है या एयर के थ्रू और पोलियो किसके थ्रू होता है एयर या वाटर के थ्रू ओके okay? तो इसका हमको क्या प्रोटेक्शन क्या करना चाहिए कीप द पेशेंट इन कम्प्लीटली ऐसे जो जिनको ट्यूबर क्लोजिस मीजल से है, इनको हमको कम्प्लीटली आइसोलेट कर देना चाहिए और सक, उनसे रिलेटेड जितना भी उनकी जी पर्सनल बिलोंगिंग्स है उनका जितना भी सामान है उनको सुटेबल वैक्सीस को साइड कर देना चाहिए ओके okay? और इनको वैक्सीस लगा चाहिए नेक्स्ट है डिजीज कोलेरा टाइफाइड ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है ये भी वॉटर और फूड के थ्रू क्या होती है ट्रांसफर होती है। हेपेटाइटिस, जो वायरस से होती है वो ये वाटर के थ्रू ट्रांसफर होती है मलेरिया ये एक से होता है जिसका नाम मैंने अभी बताया था प्लाज्मोडियम ओके okay? ये मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफर होती है ओके okay, तो ऐसी वायरस से जैसे हमें कोल्ड होता है वो कैसे एयर के थ्रू कैसे होता है जब हम स्नीच करते हैं तो जब हम छींकते हैं तो जो वायरस होते हैं वो एयर में क्या होते हैं उसकी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एयर में चली जाती हैं और वहाँ से अगर कोई अनदर हेल्दी उस हेल्दी पर्सन उस एयर को ब्रीथ करता है तो वो उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं तो इसका सबसे अच्छा प्रोटेक्शन क्या है कि हमें अगर कभी भी स्नीच करनी है तो हमें कवर करनी चाहिए अपनी नोज स्नीच करने से पहले ओके नाउ हाउ टू प्रिवेंट मलेरिया एंड डेंगू मलेरिया और डेंगू को हमको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए मलेरिया एंड डेंगू स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो तो मलेरिया एंड डेंगू किसके थ्रू कैरी uh, होता है स्प्रेड होते हैं मॉस्किटो के थ्रू होते हैं और मॉस्क्यूटो इसलिए हमें क्या करना चाहिए जो ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो है उसी से हमें प्रिवेंशन करना चाहिए यानी मॉस्किटो को ग्रो नहीं करना चाहिए उसको ब्रीड नहीं करना चाहिए तो जितने भी मॉस्किटो की ब्रीडिंग है वो कहाँ ब्रीड करती है वाटर में करती है तो हमें किसी भी प्रकार का वाटर को क्या करना चाहिए कहीं पर भी वाटर को कलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए अगर आप वाटर कलेक्ट करके भी रखते हो तो उसे कवर करके रखना चाहिए क्योंकि जो आपका अनकवर्ड वाटर है कलेक्ट वाटर है उसमें मॉस्किटो ब्रीड करते हैं और वही मॉस्किटो फिर क्या करते हैं मलेरिया और डेंगू के जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है उनको क्या करते हैं स्प्रेड करते हैं जिससे हमें मलेरिया एंड डेंगू डिजीज हो सकती है तो हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनी वे लाइक कूलर्स में टायर्स में फ्लावर पॉट्स में एक्सेट्रा कहीं पर भी रेफ्रिजरेटर में कहीं पर भी हमें वाटर uh, कलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए कीप द ओवर हैड टैंक कवर्ड जो हमारे टैंक होते हैं जिनमें हमारे घर के लिए हम uh, वाटर कलेक्ट करके रखते हैं अपने यूज़ के लिए कलेक्ट कर, 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 uh, करके रखते हैं तो उसे अनकवर नहीं करना चाहिए उसे हमेशा कवर्ड रखा रहना चाहिए यूज मॉस्किटो रेपलियंट क्रीम्स एंड मॉस्किटो नेट्स टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए हमें मॉस्किटो रेपलियंट क्रीम्स आती हैं एंड मॉस्किटो नेट आती है उसका यूज करना चाहिए डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन एनिमल्स अब कुछ ऐसे माइक्रो हो ऑर्गेनिम्स होते हैं जो एनिमल्स में भी डिजीज प्रोड्यूस करते हैं जिनके कारण एनिमल्स में डिजीज़ होती है द फर्स्ट डिजीज इज एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स एक डेंजरस फार्टल डिजीज है जो ह्यूमंस में भी होती है और कैटल्स में भी कैटल में भी होती है जो पेट uh, एनिमल्स होते हैं कैटल होती हैं उनमें ये डिजीज होती है और उनसे एनिमल्स uh, से ये ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकती है जिसके कारण एक स्किन uh, डिजीज़ हो सकती है रेसेस हो सकते हैं या ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ सकती है ये एक फाटल एंड डेंजरस डिजीज़ है और इस डिजीज को डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोस ने 1876 में और ये डिजीज़ एक बैक्टीरिया से होती है इसका कॉजिंग जो माइक्रो से है वो है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बेसिलस एंथेसिस एंड एन एनिमल्स में फूट एंड माउथ डिजीज भी होती है थ्रू वायरस किसके थ्रू वायरस के थ्रू होती है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन प्लांट्स प्लांट्स में भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं जो डिजीज़ फैलाते हैं सिट्रस कैंकर ये किसके थ्रू होती है बैक्टीरिया के थ्रू होती है सिट्रस जो सिट्रस फ्रूट होते हैं यानी खट्टे संतरे ऑरेंजेस वाले जो फूड फ्रूट होते हैं उनमें ये डिजीज होती है बैक्टीरिया के थ्रू होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है एयर फंगाई के थ्रू होती है रस्ट ऑफ वीट वीट में होती है फंगाई के कारण होती है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर एंड सीड्स एंड येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी या ओकरा जो लेडी फिंगर है ओकरा भिंडी इसमें भी येलो वेन मोजेक एक डिजीज है उसका नाम है वो वायरस के उसका कॉजिंग एजेंट है वायरस और वो किसके थ्रू होती है एजेंट सॉरी एजेंट है इंसेक्ट और उसका कॉजिंग माइक्रो से है वायरस ओके okay? और और भी होते हैं जैसे फंगाई के थ्रू होती है पोटैटो में होती है पोटेटो की डिजीज होती है सिंकाइट्रियम जो फंगाई है इसके थ्रू होती है तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिम्स है जिनके थ्रू प्लांट्स में भी डिजीज होती है ओके आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर यूजफुल फॉर अस एंड ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस सो माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर ऑल्सो फ्रेंडली एंड हार्मफुल ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फूड प्रिजर्वेशन माइक्रो ऑर्गेनिम्स कुछ ऐसे भी हैं जो फूड को फूड प्रिजर्वेशन में हेल्प करते हैं टिल देन कीप वॉचिंग सीन नेक्स्ट वीडियो